हेलो गाइस, दिस कुशाल। वेलकम टू कुशाल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये क्या है कि पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो को, इस चैप्टर को दो पार्ट में बनाया गया है। ये पार्ट फर्स्ट है, तो देखिए पार्ट फर्स्ट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि ये आपने क्लास 6 में ये बताया था मैंने, क्या जैसे ये एक मैग्नेट है तो यहाँ पे क्या होता है, ये साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ठीक है। आप देखिए, अब क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पास में लाएंगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। बट और ऐसे ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लाएंगे और साउथ पोल और नॉर्थ पोल को लाएंगे तो वही होगा। अब बट अगर आप अगर क्या करेंगे आप कि नॉर्थ पोल को लाएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल होगा यानी कि एक दूसरे से और दूर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम साउथ पोल अगर आप क्या करेंगे, साउथ पोल को पास में लाएंगे तो क्या होगा, ये रिपेल होगा, ये भी क्यों, ये जो है ये दूर जाएगा और ये भी। क्या होता है ये, जब हम अपोजिट वालों को लाते हैं तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाता है। बट हम क्या सेम पैरेलल वालों को लाते हैं, सेम वालों को, तो वो रिपेल होता है यानी कि एक दूसरे से टकराते हैं। चाहे आप करके देख लेना कि साउथ और साउथ वाले करके देंगे वो दूर जाएंगे, बट नॉर्थ और साउथ वालों को करेंगे तो वो पास में आएंगे, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, पहले आप समझिए कि कैसे, जैसे क्या है, ये कोई एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये आयरन फिलिंग्स है, तो क्या करेगा ये जो मैग्नेट है वो क्या करेगा, इन फील्ड्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अब देखिए, जैसे ये है मैग्नेट, तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा ये जो है ये फील्ड लाइंस किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। ऐसे यहां से ये नॉर्थ साउथ की तरफ, और ये ऐसे ही नॉर्थ से आएंगी, और ये ऐसे चली जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें नॉर्थ से तो आती है, अब आप देखिए कि नॉर्थ से आती है और साउथ में चली जाती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि जो हम डायग्राम बनाते हैं, यानी क्या, ठीक है, तो यहां पे क्या होती है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आप देखिए। अगर क्या करेंगे आप कि ये जो है यहां पे क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा, क्यों करंट फ्लो हो रहा होगा, देखिए आप, करंट क्योंकि स्विच ऑन है, अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर करंट क्या होगा, फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नहीं आएंगी, क्यों, जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं आएंगी, और फिर से हम स्विच ओपन कर देंगे तो फिर से आने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हो गया। तो अब इसमें देखिए आप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अब इसमें जो ये वायर होता है, वायर में तो क्या होता है, ये नॉर्थ साउथ तो होते ही नहीं है, तो कैसे पता लगेगा कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कैसे जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, देखिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, ये ऐसे क्या करते हैं हम, ये राइट हैंड हमारा और ये थंब है, थंब अगर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा कि अपने थंब को ऊपर की साइड रखेंगे राइट हैंड वाले, और जिधर की साइड और आप क्या कर दीजिए, ये जो आपकी मुट्ठी जिसे कहते हैं आप, तो इसे उधर की साइड ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे नॉर्थ से ईस्ट कैसे कैसे घूम रही है, ठीक है। अब देखिए आप, जैसे अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ये बताया था कि ऊपर ऐसे जाएंगे, तो क्या होगा, तो ऐसे जा रहा है, तो ये जो हो रहा है ये इधर की तरफ ऐसे घूम रहा है, यानी कि क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे करके ऐसे जा रही है, यहां से कैसे जा रही है, ये ऐसे यहां से जा रही है और फिर वापस आ रही है, फिर जा रही है। तो ये क्या पता लगता है राइट हैंड थंब रूल से, हमें पता चल जाता है कि ये जो वायर में क्या होती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होती है वो कैसे जा रही होती है। अब ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, वो आपको खुद करना है, बताइए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाएंगी। अब ये क्या है, ये डाउन में है, तो अब डाउन में रखेंगे हम, तो करंट कैसे डाउन में फ्लो हो रहा है, अब करंट डाउन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जल्दी से बताइए, बहुत इजी है, तो करंट जब डाउन में फ्लो होगा, अब देखिए आप करंट जब क्या होगा डाउन में फ्लो होगा, तो ये कैसे ऐसे ऐसे जाएंगी, देखिए करंट डाउन में फ्लो हो रहा है तो ये कैसे जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, अब करंट डाउन में फ्लो हो रहा है तो ऐसे जाएंगी, तो देखिए ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, बस ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर अब करंट ऐसे फ्लो होगा तो किधर, इधर के साइड ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा, अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये करंट फ्लो करेंगे तो हम सर्कुलर लूप्स में करेंगे, तो आप देखिए, अब देखिए तो कैसे फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, जल्दी सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, बहुत इजी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है तो आपको पता ही। अब देखिए आप, ठीक है, और इसमें कैसे जाएगी, और यहां पे ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है सर्कुलर लूप्स में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है वो कैसे जाती है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, यहां से जो ऊपर जाएंगी तो ऐसे जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ आपस में मिल जाएंगी, फिर नीचे से डाउन में ऐसे जाएंगे डाउन में, पर ये क्या जा रही है, नॉर्थ से तो आ रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है इधर, ठीक है, नॉर्थ इधर नॉर्थ होता है तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है, ऐसे इसमें ये ऐसे आ रही है और ऊपर वाले में ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो ये राइट हैंड थंब रूल नहीं है, तो इसे हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब
लीजिए आप कि ये कितने लोग हैं। अब इसके बाद अगर हम क्या कर लीजिए, अगर हम क्या कर देंगे, तो ये तो अभी हमने क्या बनाया था, ये ऐसे एक ही बनाया था। अगर हम इसे और 5, 10, 6 जितने ही बनाएंगे बना देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी। तो जब ये हम ऐसे बना देते हैं बहुत सारे, तो क्या होगा, तो क्या हो जाता है कि ये सोलेनोइड में हो जाते हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी वो सोलेनोइड में जाती है सर्कुलर लूप समय। और एक चीज और देखिए आप कि जब आप सोलेनोइड तो क्लियर हो गया, अब जब क्या होगा, लूप्स कम होगी। अगर मान लीजिए लूप्स कम होगी, ये जो लूप्स कम होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, ये फील्ड्स लिख दी मैंने यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो क्या होंगी, वो कैसे ज्यादा शुरू होंगी, वो ज्यादा होंगी कम होंगी। तो सिंपल सी बात है, जब लूप्स कम होगी तो वो भी कम होंगी, और अगर लूप्स ज्यादा होगी तो बहुत ही सी बिल्कुल से ऊपर वो भी ज्यादा होंगी, मतलब ठीक है लूप्स ज्यादा होगी तो ठीक है। बस ये था। और अब आ जाते हैं हम सोलेनोइड पे अपने, सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड में हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है ये हो गया हमारा सोलेनोइड में जाती है। अब देखिए यहाँ पे बस क्या है कि यहाँ पे जब ये सिलेंड्रिकल टाइप, आप सिलेंड्रिकल टाइप कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा सोलेनोइड, इसे हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड, सोलेनोइड से ये क्या जाती है, ये हमारे सोलेनोइड में। अब देखिए जो ये, अब ये तो हमारा बन गया सोलेनोइड, फिर क्या होंगी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, वही वाला नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ऐसे इस पे ठीक है, और इसमें ऐसी आएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसे क्या कहते हैं हम सोलेनोइड, और उसे क्या कहते हैं हम सर्कुलर लूप्स, ठीक है उसे हम सर्कुलर लूप्स कहते थे। तो इसमें क्या है, मैंने जैसे ही बताया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये नॉर्थ है ये साउथ है, पर इसमें पता नहीं चलता है वो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, राइट हैंड थंबनेल से वो आप खुद पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा कि अगर हम क्या कर देंगे, अगर हम फिर से वही बनाते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक है ये हो गया। अब इसमें आप देखिए कि अब ये यहां पे हम क्या कर देंगे, अगर यहां पे हम क्या कर देंगे, कोई क्या लगा देंगे यहां पे, ये मैग्नेटिक्स कुछ मैग्नेट का, मैग्नेट टाइप का कुछ लगा देंगे, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको ही हम कुछ देर तक रख देंगे जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होने लगता, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इस मैग्नेट में, जब ये जो है मैग्नेट, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या इलेक्ट्रो मैग्नेट, क्या कहेंगे इसे हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। अब देखिए, अब ये चीज देखिए कि मैग्नेट जो होता है वो किस किस चीज को अपने पास अट्रैक्ट करता है। तो फर्स्ट है देखिए, ये मैं बता देता हूं कि तीन चीजों को करता है सिर्फ, क्या, Fe यानी कि आयरन, और CO यानी कि कोबाल्ट, और
एनआई यानी कि निखिल, ठीक है, बस इन चीजों को अपने पास अट्रैक्ट करता है। आप आयरन के तो आयरन के साथ तो आपने बहुत चीजें देखी होंगी, फिर आप कोबाल्ट लेंगे तो वो भी क्या होगा, आयरन उसे अट्रैक्ट कर लेगा, और निखिल को लेंगे तो वो भी आयरन उसे भी अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, अभी क्लियर हो गया। तो इन तीन चीजों को हम आयरन अट्रैक्ट करता है, आयरन वो सॉरी मैग्नेट, आयरन और कोबाल्ट, निकल निकल ठीक है, अभी क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है जरा और इसके बाद देखिए आता है कि अब क्या होता है कि ऐसे ही जो हमारा ये राइट हैंड थंबनेल रूल का, अब आता है ये लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अब देखिए आप ये फिंगर से इस टाइप का कुछ करना पड़ता है, तो ये क्या होगा, अब देखिए इसमें आप देखिए कि ये ऐसा हम जब करेंगे फिंगर से, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स। अब इसमें देखिए ये जो ये वाली जो मिडिल फिंगर जो होती है, मिडिल फिंगर, ये जो हमारी मिडिल फिंगर होती है यानी कि ये जो है, ये मैं बना के दिखा देता हूं, ठीक है। अब ये जो होती है हमारी मिडिल फिंगर, ये क्या बताती है कि ये बताती है करंट, करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट कहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये बताती है फील्ड्स, फील्ड्स बताती है ये जो हमारी फिंगर होती है, और थंब बताता है कि फोर्स का लग रहा है, फोर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फोर्स का लग रहा है, अब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आपसे फोर्स का लगेगा, अब क्या है ये फोर्स का लगेगा बताइए। अब इसमें क्या है, ये फील्ड, ये फील्ड है और ये करंट, अब सिंपल सी बात है कहा लगेगा, कल लगेगा आपको, सिंपल सी बात है, देखिए आप कल लगता है फोर्स, तो अब बनाएगी ये ऐसे हमने बनाया था, तो क्या होगा कि करंट यहाँ है, फील्ड यहाँ है, तो थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो फोर्स का लगा यहाँ। अब एक और देता हूं, जब हम ऐसे करेंगे इसे, ठीक है, जब हम ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा, जब हम ऐसे करेंगे तो कर आ रहा है फील्ड ऊपर, करंट इधर, तो थंब यानी कि फोर्स का जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि फोर्स का लगता है, फोर्स का लगेगा, बताइए फोर्स का लगेगा, इजी है ये भी, थंब जिधर जाएगा, थंब मैंने बताई दिया किधर जाता है, तो फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, फोर्स, और यहाँ करंट लगेगा, भूल गया था मैं, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर बस ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल, ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसे मैकेनिकल एनर्जी में जो बदलने का काम करता है वो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर, हम उसे कहते हैं। अब देखिए कि एग्जाम्पल में फैंस हो गए, जो हमारे पंखे होते हैं, मिक्सर, कंप्यूटर, तो ये सब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रिक मोटर होता कैसे है, ये क्या है एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ये क्या है, एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है। ये क्या होता है, ये है स्प्लिट रिंग, ये रिंग कह सकते हैं आप इसे,
और ये जो है ये क्या है हमारा ब्रशिश, और ये जो है हमारा ये है एक्सल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पूरा होता है हमारा, ये जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और ये क्या है नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, ये रिंग क्यों लगी हुई है, ये क्या है, ये जब रोटेट करेगा घूमेगा तो फैन जैसे घूमते हैं। अब मिक्सर को आपने देखा होगा तो उनके चारों ओर रिंग होती है, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, एग्जाम्पल है, उनके चारों ओर क्या होती है, एक रिंग होती है, ठीक है। इनके चारों ओर क्या होती है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इनके चारों ओर क्या होती है, इनके चारों ओर क्या होती है, रिंग होती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जब ये जो एग्जाइल होता है, ये पूरा ये जो होता है, ये एक्साइल होता है, और पूरा क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर, और जो ये एक्साइल होती है, एक्साइल के चारों ओर क्या होती है, ये हमारी रिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारी वीडियो खत्म होती है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, तो हमने ये क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर्स और थंब, दो रूल्स के बारे में पढ़ा, थंब रेन रूल्स और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। तो अभी के लिए रहा यार, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।